प्यारे बच्चों आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग एमसीक्यूज बार बार रिपीट होने वाले मल्टी चॉइस क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रहे हैं जिसमें पार्ट वन आज अपलोड कर रहे हैं पार्ट वन में देखिए डिल्यूजन फोबिया हल्यूसनेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग डाइसल्फिरम थेरापी ई ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युलाइज मतलब कि बाहर कोई भी स्टिम्यूलाई नहीं है फिर भी पेशेंट को फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं राइट आंसर इज हल्यूशिनेशन हेल्युशिनेशन एक स्कीजोफेनिया का सिम्टम्स है जिसमें पेशेंट को बाहर कोई भी चीज़ नहीं हो फिर भी उसको दिखाई देती है जैसे कि दीवार पर कुछ फोटोज़ नहीं हो और पेशेंट को चित्र विचित्र फोटो दिखाई देती है बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही हो फिर भी पेशेंट को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है ये लक्षण को साइकेट्रिक फील्ड में हल्यूशनेशन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन अ पेशेंट हु रिफ्यूज टू ईट स्टेटिंग दैट हिस फूड इज़ पॉइजन इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मतलब कि एक दर्दी ऐसा कह रहा है कि उसके खाने में जहर डाला हुआ है ये एग्ज़ाम्पल कौन से लक्षण का है राइट आंसर इज डिल्यूज़न देखिए खाने में जहर न हो फिर भी पेशेंट ऐसा पेशेंट को भ्रामक विचार आए कि उसके खाने में जहर है तो ए एक कैरेक्टरिस्टिक से जिसका नाम डिल्यूजन है डिल्यूजन मीन्स फॉल्स फॉर्म एंड फिक्स बिलीफ, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई एन लॉजिकल आइडिया मतलब कि ऐसी एक भ्रामक विचारधारा पेशेंट के माइंड में फिट हो जाती है जो कोई भी उसको लॉजिकल आइडिया से हम निकाल नहीं सकते उसको साइकेट्रिक फील्ड में डिल्यूजन लक्षण के नाम से पहचाना जाता है नेक्स्ट इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ एसीटी मतलब कि एसीटी निम्न में से इसमें ज़्यादातर दिया जाता है तो याद रखिए ई की इंडिकेशन देखिए नीचे लिखी हुई है सीवियर डिप्रेशन सीवियर कैटाटोनिया सीवियर साइकोसिस मतलब कि ऐसी सभी बीमारियों में ई ज़्यादातर डॉक्टर प्रेफर करते हैं ई इसमें देना चाहिए तो और राइट आंसर इज सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क अब फॉल्स ये रेशनल अनसेकेबल बिलीफ इज कोल्ड मतलब कि ऐसी फॉल्स बिलीफ है जो कोई भी लॉजिकल थाट से हम मिटा नहीं सकते ऐसी इय रेशनल बिलीफ्स को क्या कहते हैं और राइट आंसर इज डिल्यूजन डिल्यूजन इज अ फॉल्स फॉर्म एंड फिक्स बिलीफ विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई एनी लॉजिकल आइडिया मतलब डिल्यूजन एक ऐसा लक्षण है जिसमें पेशेंट को कुछ भी समझाए लेकिन उसके मगज में जो गलत जो भ्रामक विचार आ गए हैं वो मिटाए नहीं जा सकते उसको डिल्यूजन कहते हैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने देखा कि पेशेंट ऐसा कह रहा है कि मेरे खाने में जहर डाल दिया है एक्चुअली उसके खाने में किसी ने जहर नहीं डाला है तो ऐसे जो भी भ्रामक विचार है फॉल्स बिलीफ है उसको डिल्यूजन कहते हैं देखिए एल्यूशनेशन एंड डिल्यूजन इस किसोफेनिया नामक बीमारी के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको साइकोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ये हमें याद रखना है नेक्स्ट डाइसल्फ़ीराम इज़ अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसल्फीराम करके जो दवा है वो कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट में दी जाती है राइट आंसर इज़ अल्कोहलिज्म देखिए अल्कोहलिज्म एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन करता है ऐसी बीमारी को छुड़वाने के लिए ऐसी बीमारी में से दर्दी को बाहर लाने के लिए डॉक्टर डाइसल्फीराम टैबलेट्स देते हैं ये टैबलेट्स लेने के बाद यदि व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करे तो डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन मतलब डी आर रिएक्शन आता है देखिए यहाँ रेशनल में लिखा है डी आर रिएक्शन होता है जिसमें पेशेंट को उसका डेथ हो जाए ऐसा फीलिंग आ जाता है इसलिए वो डर के मारे बाद में अल्कोहल लेना बंद कर देता है तो ये जो दवाई है और अल्कोहल छुड़वाने के लिए डॉक्टर पेशेंट को देते हैं नेक्स्ट न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर नॉन एज मतलब कि न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग है उसका दूसरा नाम क्या है राइट आंसर इज एंटी साइकोटिक मेडिसिन देखिए रेशनल में लिखा है न्यूरोलॉप्टिक ड्रग्स का दो नाम है एंटी साइकोटिक ड्रग और मेजर ट्रांक्विलाइजर तो यहाँ ऑप्शन में हमें एंटी साइकोटिक ड्रग दिया था यदि मेजर ट्रांक्विलाइजर दिया होता तो वो भी राइट आंसर था तो ये क्वेश्चन ई एस और आर आर में पूछा गया था सेवन एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर ई वाई और राइट आंसर इज टू रिड्यूस सिक्रीशन एट्रोपिन सल्फेट ईसीटी के पहले क्यों दिया जाता है सिक्रीशन कम करने के लिए देखिए ईसीटी के पहले एट्रोपिन सल्फेट देने से आफ्टर ईसीटी जब पेशेंट एनेस्थिशिया में से बाहर आएगा तो उसको सिक्रेशन कम होगा जिससे न्यूमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो यहाँ रेशनल देखिए एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्ट्रेट बिफोर ई और कितना देना चाहिए 0.6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस और आईएम बिफोर 30 मिनट्स ऑफ एसीटी देना चाहिए यदि ऑन द स्पॉट बिफोर एसीटी देना हो तो आईवी देना चाहिए क्वेश्चन नंबर एट मंजूसीज सीज अ डिजाइन ऑफ फ्लावर ऑन द वॉलपेपर एंड पर्स्यूज इट इज एन एनिमल देखिए मंजू करके लड़की को एक दीवार पे एक डिजाइन देखी जा रही है जो फ्लावर है लेकिन उसको वहाँ फ्लावर की जगह वो एनिमल देखती है मतलब फूल है दीवार पर लेकिन उसको दिखाई देता है एनिमल तो ये क्या है इट इज अ इल्यूजन ठीक है फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई मतलब जो बाहर जो भी स्टिम्यूलाय है उसको गलत परसीव करना गलत इंटरप्रेट करना उसको इल्यूजन कहते हैं जैसे कि कोई दूरी हो और उसको पेशेंट ऐसा कहे कि वहाँ साफ है तो इट इज ऑल्सो द इल्यूजन तो इल्यूजन मतलब फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस नेक्स्ट नर्स इज कैरिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी देखिए हेल्यूशनेशन के काफी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ भी ये यह हेल्यूशनेशन का एक क्वेश्चन है और राइट आंसर इज हेल्यूशनेशन कि नर्स को एक पेशेंट ऐसा दिखाई दे रहा है जो पेशेंट को क्या हो रहा है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा है लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में वहाँ बाहर कुछ नहीं है तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एल्यूशिनेशन कहते हैं एल्यूशिनेशन के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया फॉल्स सेंसरी परसेप्शन टेंथ क्वेश्चन फियर ऑफ हाइट इज नॉन एज आवर राइट आंसर इज एक्रोफोबिया देखिए एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट गामोफोबिया फियर ऑफ मैरिज क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लोज क्लोस्पेस एंड अल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन So, here the question is fear of height. So, our right answer is acrophobia. acrophobia. Here, students, we have completed our 10 questions. Next, we will upload 11 to 20 questions, part 2 of mental health nursing. Thank you very much, and all the best for the competitive examination.